रुद्रप्रयाग में सब्जियों के महंगे दामों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि सब्जी की दुकानों पर दुकानदारों ने कोई रेट लिस्ट नहीं लगाई है और न ही इनके पास सब्जियों के पक्के बिल हैं, जिसके चलते दुकानदार मनमाने दाम ग्राहकों से वसूल कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, गोभी कितने रुपए किलो है? 50 रुपए। मटर 60 रुपए है। प्याज 60 रुपए है। शिमला मिर्च 60 रुपए है। और टमाटर 60 रुपए। खीरा 40 रुपए। जैसे आप बोले 60 रुपए खीरा, उधर दुकान है जो पल्ले, उधर 20 रुपए किलो मिल रहा है, आपके यहाँ 30 रुपए किलो मिल रहा है। डिपेंड करता है ना। तो आपके पास पक्के बिल हैं? इसके पक्के बिल तो होते नहीं, सब्जी के पक्के बिल नहीं होते ना। तो आप कैसे ग्राहकों को बताते हैं कि ये क्वालिटी इसकी है, ये क्वालिटी उसकी, कैसे पता चलता है इसका? बताएंगे ना, ग्राहक को दिखाई देगा ना, अच्छा जाएगा। आपने यहाँ पर रेट लिस्ट नहीं, आपकी मैं अगर बात करूँ तो वही खीरा वहाँ मिलेगा तो 20 रुपए है, वही अगर मैं मूली की बात करूँ वही मिले, सेम मूली है, कोई अलग नहीं है उसमें। तो आपके यहाँ 30 की बिक्री, वहाँ 20 की बिकती है। वही लोगों का कहना है कि सब्जी विक्रेता के मनमाने दाम से परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिला प्रशासन कोई सुध नहीं लेता है। निश्चित तौर पर जो है ये तो मंडी से ही जो है मुझे जो है इसमें धांधली लग रही है, क्योंकि बहुत बड़ी धांधली है ये, जिसमें जो है प्रशासन जो है इस पर जो है अमल नहीं कर रहा है। कहीं 80 रुपये किलो टमाटर है तो कहीं 60 रुपये किलो है, इसी प्रकार से अन्य सब्जियों के भाव हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अंदर जो है प्रत्येक दुकान के अंदर जाओ तो अलग अलग भाव मिलते हैं। इसी प्रकार से जो है आप श्रीनगर जाओ, हमने श्रीनगर में भी रेट पता किया, मैंने रेट पता किया, सब जगह यही हाल है। सब्जियों के बढ़ते दाम और दुकानदारों की ओर से मनमाने दाम वसूल करना कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि? रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी? किसका बनेगा शादी का योग? कौन से उपाय से कटेंगे रोग? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।